आज का हमारा टॉपिक है समीकरण तथा सर्वसमिका का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम चर, वेरिएबल की। चर होता क्या है? एक परिवर्तनशील राशि। परिवर्तनशील राशि से आप क्या समझते हो? जिसका मान फिक्स हो, चेंज ना किया जा सके, चेंज होती रहती है। चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील राशि का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो अगर चर यानी वेरिएबल की बात की जाए नंबर के सेंस में, तो चर वे संख्याएं होती हैं जिनके मान स्थिर या निश्चित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, अचर यानी कॉन्स्टेंटली, जिसको हम लोग अपरिवर्तनशील राशि भी कहते हैं। अचर वे संख्याएं आपकी होती हैं जिनके मान निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसमें 7 और अंडर रूट 2 ये आपके कांस्टेंट हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। 7 की जगह हम कभी 5, 3, 2 नहीं रख सकते। आपका 5x है, वो आपका जो है 5 है, इसमें कोफिशियंट है, x है वेरिएबल। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें टर्म्स की, तो हमारी 3 टर्म्स है वहां, 5x, 7 और अंडर रूट 2। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण यानी इक्वेशन की। समीकरण को अगर डेफिनेशन देना हो, परिभाषित करना हो, तो आप कैसे देंगे? एक समीकरण समता सूचक चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है, जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। ये तो हो गई एक बुकिश लैंग्वेज। नॉर्मल भाषा में इसको समझते हैं कि कह क्या रहा है। आपका जो इक्वेशन होता है वो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें समता सूचक चिन्ह, समता सूचक चिन्ह होता है इज इक्वल टू का साइन, बराबर का जो साइन होता है उसको बोलते हैं समता सूचक चिन्ह। तो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो और उसमें कुछ कॉन्स्टेंट हो, कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और आपका साथ ही कोफिशियंट के फॉर्म में भी आपके कोफिशियंट भी हो, ठीक है, उसके साथ साथ उसमें एक दो पक्ष हो, दो साइड हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों आपका इक्वल होना चाहिए। यही होता है आपका इक्वेशन, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें स्क्रीन पे 5x प्लस 7 अंडर टू, ये इक्वेशन आपका एक इक्वेशन बनाते हैं। चलिए समीकरण के बाद अभी आपने जो दो तीन लाइन आपने सुनी उसके बेस पे मुझे बात बताइए कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 29, इसको हम लोग समीकरण यानी इक्वेशन कह सकते हैं। इक्वेशन होगा इसको 7x plus 8 is equal to 29। नहीं नहीं, 7x plus 8 is greater than 24। इक्वेशन किसके बोलेंगे आप? 8 is equal to 29। मैम 7x plus 8 is equal to 29। ये इक्वेशन है। चलिए आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है। 7x plus 8 is equal to 9। ये आपका इक्वेशन है। 7x plus 8 is greater than 20 आपका ये इक्वेशन नहीं है। 6x minus 8 less than 10 ये भी आपका इक्वेशन नहीं है। minus 8 is equal to 10 नहीं, ये होगा
ये होगा लास्ट वाला, ये होगा नीचे लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट होगा, फर्स्ट एंड लास्ट इसमें होगा। यस सर, का साइन होना चाहिए, उसके अलावा ग्रेटर देन या लेस देन का साइन नहीं नहीं होना चाहिए। होती है तो ऐसे समीकरण को हम रेखीय लीनियर इक्वेशन, जैसे कि आपका 6x - 8 = 10, इसमें x की जो पावर है वो आपका 1 है, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके इक्वेशन होंगे इनको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर आपका हम बात करें 4x + 5 = 20, तो इसमें भी x की पावर 1 है, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन हुआ। बट अगर मैं आपसे कहूं x² + 10x - 10y - 2 = 2, ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा। x² + 10y = 2 ये आपका लीनियर इक्वेशन होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो पावर है एक्स या वाई की जो भी वो आपका 1 नहीं है, ठीक है। ये आपका द्विघाती समीकरण हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप आइए समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। किसी भी समीकरण का उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कई तरह के टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका बीजगणितीय समीकरण, बीजीय समीकरण जिसको बोलते हैं। बीजीय समीकरण अलजेब्राइक इक्वेशन की अगर बात करें तो ये आपके मेन लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन इसके फॉर्म में होता है। उसके अलावा आपका ट्रांसेंडेंटल समीकरण होता है, आपका समीकरण होता है जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसके होते हैं, इसमें आपके दो पार्ट आते हैं, पूर्ण अवकल समीकरण टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन और आंशिक अवकल समीकरण जिसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर समीकरण, डिफरेंस इक्वेशन। उसके बाद आता है समाकलन समीकरण। नेक्स्ट है फलनिक समीकरण जिसको हम लोग फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, मेन हम लोग को जो पढ़ना है आज वो आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले एक बात और हम लोग जानते हैं, समीकरण के मूल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। चर का वह मान जो किसी समीकरण को संतुष्ट करते हैं उस समीकरण के मूल कहलाते हैं। संतुष्ट करने का मतलब आप क्या समझ रहे हो यहाँ से? समीकरण आपको समझ में आया, इक्वेशन क्या होता है, अब इक्वेशन को संतुष्ट करने का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? मैम LHS is equal to RHS जब हो जाए तब वो उसका मतलब मूल कहलाएगा। किस वैल्यू होती है उसको इक्वेशन में हम करते हैं रखते हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिलना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में कि यह समीकरण का मूल है, ठीक है। अब आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि यदि समीकरण का मूल fx = 0, ये आपका एक समीकरण है, यदि समीकरण fx = 0 का एक मूल p है तो संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि p को जब इस समीकरण में p रखेंगे आप x की जगह तो आपको वही 0 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी समीकरण के मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना या समीकरण को हल करना दोनों एक ही बात होती है। बीजगणित का मूल प्रमेय, मूल प्रमेय है क्या, यह आपका कहता है कि एक अथवा एक से अधिक घात वाले बहुपद समीकरण का कम से कम एक मूल अवश्य होता है।
होगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसका एक मूल वन है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें जैसे द्विघाती समीकरण, कोई भी आप हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए। चलिए हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 20 इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 है तो इसका मूल भी जो होगा वो 2 ही होगा। बन सकते हैं कोई भी क्वेश्चन दे रहे और उससे पूछे कि इसके कितने समीकरण, इसके कितने मूल होंगे, तो आप पावर मैं जिसकी जितनी घात होगी उतने ही समीकरण होंगे क्या? इक्वल टू वन, ठीक है, तो इसका जो ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन हो गया, एक त्रिघाती समीकरण हो गया, इसमें मैक्सिमम मूल की जो घात है वो अधिकतम घात आपकी 3 है। तो इस क्वेश्चन का भी आपका अगर कोई पूछे कि कितने मूल होंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर होगा 3। अगर मूल भी होने पर समीकरण बनाना, मेकिंग इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, यदि किसी समीकरण के मूल ए बी सी से आपको जेड तक दिए हो तो दिए हुए मूलों वाला समीकरण निम्न होगा। जो भी आपके मूल दिए रहते हैं उसको हम लोग करते क्या है कि x माइनस ए, अगर सेकेंड मूल दिया तो b है तो x माइनस बी, और थर्ड मूल अगर b आपका दिया c हो तो इंटू x माइनस ए। जितने भी मूल दिए होंगे सबको ब्रैकेट में x माइनस करके और मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे और इज इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि आप सपोज कि आपका ये क्वेश्चन है, वह द्विघाती समीकरण याद कीजिए जिसके मूल 4 व 5 है, ठीक है, आप इसमें करेंगे क्या, मैंने आपको भी मूल x माइनस फर्स्ट आपको मूल 4 है तो x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए आप लोग इसके आगे का स्टेप क्या होगा। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 माइनस 4x प्लस 20 माइनस की 5x और माइनस की 4x माइनस की 9x x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 0 इक्वल टू 0। इससे ज्यादा हाई लेवल आपका नहीं पूछेगा, ठीक है, मतलब डीलेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है सर्वसमिका, ठीक है, का अर्थ मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। सर्वसमिका आपका ये होता है कि ऐसा समीकरण जो चर के प्रत्येक मान से संतुष्ट हो जाता है सर्वसमिका कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि चर के प्रत्येक मान के लिए जो भी वेरिएबल की जो भी आप वैल्यू रखेंगे, जितनी भी वैल्यू रखेंगे सबके लिए आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। समीकरण और सर्वसमिका लगभग एक ही जैसा है, बट इसमें मेन डिफरेंस क्या है इसके बाद इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी कराते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पे ऊपर एक इक्वेशन लिखा हुआ है 4x plus 3 equal to 2x plus, वो 1 नहीं है उसको 11 कर, 4x plus 3 equal to 2x plus 11, ओके। अब आप एक टेबल 1 में देख रहे होंगे कि हमने 4 कॉलम बनाए हैं, फर्स्ट कॉलम में x की वैल्यू लिखी है, सेकेंड है आपका लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड है राइट हैंड साइड, और फोर्थ जो कॉलम है वो है उसमें लिखा है कि बायां पक्ष को दायां पक्ष में समानता। तो समानता का यहाँ ये सेंस है
कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। एक तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले स्क्रीन पे ऊपर जो आपका इक्वेशन लिखा हुआ है 4x + 3 = 2x + 11 ओके, उसमें x की वैल्यू पहले 1 रखिए, फिर देखिए उसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड कितना आ रहा है। इसी तरह आप 2, 3, 4 वैल्यू रखिए x की और उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को निकाल के उसका इस टेबल में वैल्यू पुट करिए, उसके बाद फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी। मैम समीकरण बोलना है एक बार, 4x + 3 = 2x + 11 2x + 11 4+3 7 जिसमें और आर एच जिसमें 3 टू के लिए 11 5 जिसकी वैल्यू पूछूंगी उसी की वैल्यू आप लोग बताएंगे। x का मान 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? 7 x 7 5 राइट हैंड साइड 13 x की वैल्यू 2 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? राइट हैंड साइड 15 ओके, एक्स की वैल्यू 3 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड कितना आया? 15 15 और राइट हैंड साइड 4 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट कितना आया? 19 फोर्थ कॉलम की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल टू है? नहीं है। एक्स की नो मैम वैल्यू 1 के लिए ठीक है नहीं, 2 के लिए नो मैम, 3 के लिए 4 के लिए नो मैम, बराबर साइड इज इक्वल टू राइट साइड राइट हैंड साइड ओके। सेम आपका यस एक टेबल और है इसी प्रोसेस के तहत, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे लेकिन इसमें इक्वेशन चेंज हो जा रहा है। आपका इक्वेशन है 2x ब्रैकेट में x² - 1 इक्वल टू लिए x की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड निकाल लिए, उसके बाद फिर जैसे पूछेंगे वैसे बताते जाइएगा। हो गया
आप लोग में से किसी का भी कंप्लीट हो जाएगा तो बता दीजिएगा. यस मैम. यस मैम. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. डन मैम. एक्स की वैल्यू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका? 0. 1 के लिए 0. 0. राइट हैंड साइड 2. 0. 0. एक्स की वैल्यू 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड 6. 3 के लिए बताइए. 48. 3 के लिए 48 मैम. राइट हैंड साइड 48. 4 के लिए x की वैल्यू 4 के लिए 120. लेफ्ट हैंड साइड मैम 120. ये आपका 120. सेम 120. अब आप मुझे बताइए कि आपके स्क्रीन पे जो जो कॉलम 4 है उसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है. सेम आपके x की वैल्यू 2 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है. x की वैल्यू 3 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और x की वैल्यू 4 के लिए भी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब हम इन दोनों टेबल में कंपैरिजन करते हैं. ओके एक बार इसको मैं फिर से लिख लेती हूँ. ठीक है अब आप मुझे बताइए दोनों टेबल में क्या डिफरेंस है. दोनों टेबल देखिए और मुझे बताइए ध्यान से देखिए कि आप कुछ किसी कंक्लूजन पे निकल पहुंच रहे हैं कोई निष्कर्ष निकल रहा है. टेबल में जो एक्स की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तब वो उसका सॉल्यूशन बनेगा. हाँ. मींस वो उसका रूट मूल कहलाएगा और एक्स की वैल्यू और सेकंड सॉल्यूशन सेकंड इक्वेशन में अगर हम 1 2 3 4 ये चारों ही एक्स के मूल हैं. जो फर्स्ट है आपका उसमें हाँ बोली. नहीं मैम. चलिए ठीक है जो टेबल 1 है वो भी आपका इक्वेशन है और टेबल 2 है वो भी आपका इक्वेशन था.